स्टूडेंट्स, दिस इज महेंद्र पांडे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल केसीआई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा अकाउंट ग्रुप, डियर स्टूडेंट बहुत ही जरूरी टॉपिक था, क्योंकि आगे का जो मेरा टॉपिक है लेजर क्रिएशन, उसके लिए अकाउंट ग्रुप जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। इसलिए जो लोग मेरे पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देख लें डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जब तक ग्रुप नहीं क्लियर होगा तब तक आपका लेजर नहीं सही बनेगा। मतलब लेजर मीन्स खाता जब तक सही नहीं बनेगा तो हम वाउचर एंट्री अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर वाउचर अच्छे से नहीं होगा तो रिपोर्ट मेरी खराब हो जाएंगी डियर स्टूडेंट्स। इसलिए सबसे बेस्ट जो है अकाउंट में, आपको अकाउंट ग्रुप का क्रिएट करना, आपको अकाउंट ग्रुप जानना जरूरी है। और लेजर क्रिएशन के लिए ग्रुप का बहुत ही ज्यादा महत्व है डियर स्टूडेंट्स। और आज का मेरा टॉपिक जो है लेजर क्रिएशन में करना आप लोगों को बताऊंगा डियर स्टूडेंट्स। लेजर कैसे बनाते हैं, लेजर को हम कहां से बनाते हैं, कितने स्टेप्स उसमें आते हैं लेजर को क्रिएट करने के लिए, लेजर में हम क्या क्या चीज फिल करते हैं, लेजर बनाते टाइम में हम क्या क्या इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं, लेजर में हम सेटिंग्स को कैसे ही एक्टिवेट करते हैं डियर स्टूडेंट, ये सारी चीजें हम आप लोगों को बताएंगे। इसलिए मेरी क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। यदि आप क्लास को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का नॉलेज नहीं हो पाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो आज का मेरा टॉपिक है लेजर क्रिएशन। तो डियर स्टूडेंट्स, जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के पास। ले चलते हैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम आपको सारा कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे डियर स्टूडेंट्स। तो बहुत ही केयरफुली क्लास को आप लोग लीजिए। चलिए कंप्यूटर पर ले चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आज का मेरा जो टॉपिक है लेजर क्रिएशन, आज हम लेजर क्रिएट करके आपको बताएंगे डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा ग्रुप हम कैसे बनाते, चूंकि लेजर से पहले ग्रुप का जानना जरूरी होता है डियर स्टूडेंट। तो आप लोगों ने पढ़ा ग्रुप कैसे बनाते हैं, बने हुए ग्रुप को हम अल्टर कैसे करते हैं, उसमें सुधार कैसे करते हैं, या फिर हम ग्रुप को डिलीट कैसे करते हैं। दोनों वे में आपने ग्रुप को बनाना सीखा, सिंगल वे और मल्टीपल वे। डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा जो टॉपिक है लेजर क्रिएशन इन टैली, लेजर क्रिएट करना टैली में, लेजर क्रिएट करना, लेजर हम बनाते कैसे हैं, लेजर बनाना मतलब खाता बनाना डियर स्टूडेंट्स। खाते हम कैसे बनाते हैं, इसमें जो हम जर्नल एंट्रीज करके रखते हैं बुक में, हमने जर्नल एंट्रीज कर रखा उसकी बुक कीपिंग हमें टैली के अंतर्गत करना है डियर स्टूडेंट्स। तो हम लेजर क्रिएशन करते हैं। जर्नल एंट्रीज की आपको नॉलेज नहीं है तो हमारी पिछली दो वीडियो है जर्नल एंट्रीज पर डियर स्टूडेंट्स, उसे आप देख सकते हैं। उसमें हमने एंट्री कैसे की जाती है, अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, वो मैंने करके दिखाया डियर स्टूडेंट, उसको समझाया भी है मैंने आप लोगों को, तो बड़े आसानी से उसे आप देख सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में वीडियो लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स लेजर क्रिएशन। लेजर क्रिएट करने से पहले हमें जानना होगा कि हम लेजर कहां से क्रिएट करते हैं, और जब हम कोई कंपनी बना लेते हैं डियर स्टूडेंट्स तो क्या पहले से उसमें कोई लेजर अवेलेबल होता है, टैली की तरफ से हमें फैसिलिटी मिलती है, कुछ लेजर हमें अवेलेबल मिलते हैं कि सारी चीज, जैसे ग्रुप आपने देखा 28 ग्रुप्स पहले से ही अवेलेबल होते थे ग्रुप में, क्या वैसे ही लेजर में अवेलेबल होता है कुछ, ये हम जानेंगे। उसके बाद हम लेजर क्रिएशन की पूरी विंडो जानेंगे डियर स्टूडेंट्स, और हम धीरे धीरे पूरा लेजर सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, जिससे हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना रह जाए जो हमें ना आ रहा हो, मतलब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो एकदम केयरफुली आप क्लास को देखिए, सारी चीज़ें आपके समझ में आने वाली हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, बिना लास्ट तक देखिए आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो हम देखते हैं लेज़र हम कहाँ से चेक करते हैं। वैसे एक चीज़ मैं और बता दूँ, मैंने बताया कि क्या कोई लेज़र पहले से क्रिएट रहता है नहीं रहता है, बट ये आप जाने, जैसे हम टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारे कंपनी में टैली के द्वारा बाय डिफॉल्ट दो लेजर बन जाते हैं, एक कैश अकाउंट एंड दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट भी बोलते हैं उसे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डियर स्टूडेंट्स, कंपनी बनते ही ये दो चीज़ें क्यों बन जाती हैं, क्योंकि कैश, बिना कैश के कोई भी कंपनी नहीं हो सकती डियर स्टूडेंट्स। एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो दूसरा आपका लेजर बना रहता है, वो भी कहने का मतलब ये है कोई कंपनी है तो बिना प्रॉफिट लॉस को सहे वो नई कंपनी यूज हो नहीं सकती, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस फिक्स है वो बन जाता है। तो केवल लेजर बनते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं मिलता है जब तक आप नहीं करोगे। लेजर का अंडर जो सॉरी कैश का अंडरवुड जो होता है कैश इन हैंड,
इसका नेचर क्या है, किस ग्रुप के अंतर्गत आता है, करंट एसेट्स के अंतर्गत आता है डियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही प्राइम आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो प्राइमरी ग्रुप है, प्रॉफिट एंड लॉस इस पर आपके जो आय और एक्सपेंसेस होते हैं सारी चीजें उसमें देखती हैं, प्रॉफिट लॉस पे जो आपको लाभ हुआ होता है या जो आपका हानि होता है वो उस खाते में दिखते हैं, बाय डिफॉल्ट ये बन जाता है डियर स्टूडेंट्स। इसका अंडर ग्रुप प्राइमरी में ही जाता है क्योंकि एक प्राइमरी ग्रुप होता है। हम देखते हैं कि लेजर हम कहाँ से बनाते हैं, आप टैली की मेन स्क्रीन पर हैं डियर स्टूडेंट्स, हम गेटवे ऑफ टैली में हैं, गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फो, आप जानते हैं आपने ग्रुप भी यहीं से क्रिएट किया था, गेटवे ऑफ टैली मास्टर्स के अंतर्गत अकाउंट्स इन्फो था जहां जाकर के आपने ग्रुप क्रिएट किया था, वहीं अकाउंट्स इन्फो पर हम चले जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स इन्फो, ग्रुप हम जान चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। हम लेजर पर आते हैं, लेजर पर हम एंटर करेंगे, सेलेक्शन करके हम लेजर को एंटर करते हैं डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं जैसे ग्रुप की विंडो आई थी सिंगल ग्रुप और मल्टीपल ग्रुप, वैसे ही सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर, ये दो तरीके, इसमें भी दो वे हैं आपको लेजर क्रिएट करने के, दो तरीके हैं जहां से आप लेजर को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं क्या मेरे पास पहले से कोई भी लेजर बना है, चूंकि नई कंपनी है अब इसमें कोई लेजर क्रिएट नहीं हमने किया है, तो हम देखते हैं डिस्प्ले में जाकर के आप देख पा रहे हैं लिस्ट ऑफ लेजर्स में बाय डिफॉल्ट वो दो लेजर बने हैं जो हमने आप लोगों को बताया, कैश प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो लेजर बाय डिफॉल्ट कंपनी बनते ही टैली में बन जाता है और सारे लेजर हमें बनाने होते हैं। अब आप देख रहे हैं सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर, सिंगल लेजर में भी वही तीन ऑप्शन है जो आपने ग्रुप में देखा रहा होगा, क्रिएट, क्रिएट से हम जाकर के लेजर को बनाते हैं, डिस्प्ले, डिस्प्ले से हम लेजर को देखते हैं जो हम बना चुके होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया लिस्ट ऑफ लेजर। थर्ड है आपका अल्टर, यहाँ से हम बने हुए लेजर में कोई भी सुधार कर सकते हैं, तथा डियर स्टूडेंट्स हम कोई भी लेजर अपना डिलीट करना चाहते हैं तो हम अल्टर पर ही जाकर के उसे डिलीट भी कर सकते हैं। सेम वही चीज मल्टीपल लेजर्स में है, क्रिएट, डिस्प्ले एंड अल्टर, क्विट, क्विट से हमारा एक स्टेप हम बैक चले जाते हैं। आप जानते हैं कि टैली को हम डायरेक्टली क्रॉस पे जाकर के बंद नहीं कर पाते हैं, हम एक एक स्टेप यहां से बैक जाते हैं और जब मेन स्क्रीन पर हम आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स तब फिर हम एस्केप करके एंटर करते हैं तो हमारा गेटवे टैली का बंद हो जाता है, टैली से हम बाहर आ जाते हैं। तो अभी हम अकाउंट्स इन्फो पर आज की क्लास में आप लोगों को मैं कंप्लीट विंडो बताऊंगा और एक लेजर कैसे बनाया जाता है वो मैं करके दिखाऊंगा डियर स्टूडेंट, बट अलग अलग लेजर में अलग अलग तरीके से आपको समझाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा जिससे आपके समझ में सारी चीजें आसानी से आ जाए, क्योंकि लेजर जो है वो बेस है, अगर लेजर आपने सही नहीं करा है डियर स्टूडेंट्स तो आपके द्वारा जो ट्रांजेक्शन में एंट्री की जाएंगी वो गलत हो जाएंगी, इसलिए लेजर को बहुत ही केयरफुली आपको समझना है। फिर हम लेजर में ही क्रिएट पर चलते हैं, देखते हैं क्रिएशन विंडो कैसे आती है। आपके सामने लेजर क्रिएशन विंडो आ गया डियर स्टूडेंट्स, वही चीजें इसमें भी हैं जो आप लोगों ने ग्रुप में देखा था, नेम, नेम में यहाँ हम खाते का नाम डालते हैं, वो जो हम जर्नल एंट्रीज अपनी करके रखे हुए होते हैं उसी हिसाब से हम इसमें डिटेल डालते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो जर्नल एंट्रीज जो हम करके रख चुके होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें मैंने अभी एग्जांपल में दो जर्नल एंट्रीज, कंपनी स्टार्ट होने की दो एंट्रीज मैंने कर रखी है, इसको आप इस तरह से समझ देख रहे हैं, ये आपका कैश भी है, कैपिटल केसीआई एंड कंपनी स्टार्टेड, कंपनी केसीआई एंड कंपनी स्टार्टेड कंपनी बाय द 10 लैक्स, 10 लैक्स है कैश अकाउंट, डीआर टू कैपिटल 10 लैक्स। इसी तरीके से एमके टेलीकॉम स्टार्टेड अ कंपनी बाय बिल्डिंग मशीनरी एंड कैश, ये आप देख पा रहे हैं, तो इसमें हमने पूरा विस्तृत तरीके से इस एंट्री को, मैंने दोनों तरीके से कंपनी स्टार्ट करने की एंट्री दे दी है आपको, जिससे कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम न हो डियर स्टूडेंट। फिर हम बैक चलते हैं अपने टैली की स्क्रीन पर पहुंच जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ इंट्री करने से मतलब लेजर क्रिएट करने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं लेजर क्रिएशन विंडो के। आप देख रहे हैं नेम, नेम में यहाँ हम लेजर नेम डालते हैं, जैसे अभी आपने यहाँ देखा यहाँ हमें करना क्या है, यही दो एंट्री हमें करनी है, जैसे कैश एंड कैपिटल, इसका हमें खाता बनाना होता है, जैसे कैश बना हुआ तो हमें केवल इसमें कैपिटल का खाता बनाना पड़ेगा और हमारे पहले एंट्री के लिए खाता मेंटेन हो जाएगा, जो जिस नाम का लेजर मेरा बना हुआ है वो लेजर हमें बनाने की जरूरत नहीं होती है। अगर उस तरीके से दो लोग जैसे किसी आप डेटर क्रेडिटर का बना रहे हैं सेम नेम से हैं
तो उसमें हमको कुछ परिवर्तन करके नेम बनाना, क्योंकि सेम नेम टैली के लेजर में एंटर नहीं होता है, वो आपको डुप्लीकेट एंट्री बताएगा, तो उसमें थोड़ा सा आपको परिवर्तन करके देना होगा। स्टूडेंट्स नीचे आप देख पा रहे हैं इसमें बिल्डिंग मशीनरी कैश एंड कैपिटल है, तो इसमें हमें बिल्डिंग का भी खाता बनाना पड़ेगा, मशीनरी का भी खाता बनाना पड़ेगा। कैपिटल अगर हम ऊपर बना चुके हैं तो हमें कैपिटल बनाने की जरूरत नहीं है, जबकि एक कंपनी में हम एक, मैं केवल एज एग्जांपल आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, कैश बना रहेगा तो कैश नहीं बनाना होगा। हम बैक चलते हैं स्क्रीन पर, तो नेम में हम नेम डालेंगे जिस नेम से हमें खाता बना होगा, एलियास आपने ग्रुप में समझा था इसको, एलियास में हम एक उपनाम डालते हैं। अगर हम अपने लेजर को सर्च करने के लिए हम ओरिजिनल नेम या एलियास नेम से सर्च करना चाहते हैं तो हम एलियास नेम डाल देंगे, अन्यथा इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। जिस नीचे अंडर है, अंडर में हम ग्रुप, जैसे हम अंडर पे आएंगे तो ग्रुप की लिस्ट खुल जाएगी, जो 28 ग्रुप्स आप पढ़ चुके हो वहीं से हमें ग्रुप को सेलेक्ट करना होगा, जो उसका ग्रुप होगा जिस कैटेगरी में, जिस क्लासिफिकेशन जैसा होगा उसका, उस हिसाब से उसको हम मेंटेन करते हैं। अगर हम कोई डायरेक्टर क्रिएटर या किसी कंपनी का डिटेल बना रहे हैं तो हमें मेलिंग डिटेल डालने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ मेलिंग डिटेल डालते हैं। टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल, अगर टैक्स रिलेटेड डिटेल है डियर स्टूडेंट्स तो हम यहाँ डालते हैं। ओपनिंग बैलेंस, हम जो हमें वाउचर में इम्प्लीमेंट ना करना हो वो हम यहाँ ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं, अगर पहले से कुछ अवेलेबल है, नहीं तो हम डायरेक्टली वाउचर में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस नहीं डालते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर हमने ओपनिंग बैलेंस डाल रखा है तो वो डिटेल आपके बैलेंस शीट पे शो करेगा डियर स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ से जानते हैं कैसे हम एंट्री करते हैं। एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर हमें लेज़र में कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें एक्टिवेट डीएक्टिवेट, कोई फीचर एक्स्ट्रा एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना है तो हम F12 प्रेस करके यहाँ से मेन विंडो ओपन कर लेते हैं, लेज़र कॉन्फ़िगरेशन विंडो, और यहाँ से हम जो ज़रूरत की चीज़ होती है उसे यहाँ से हम एक्सेप्ट रिजेक्ट या एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं जैसी आवश्यकता हो। हम बैक आते हैं, अभी हम आपको गोल बता रहे हैं। तो यहाँ से हम लेज़र क्रिएशन की विंडो सामने है, यहीं से हम लेज़र क्रिएट करते हैं। जैसे हम आपको बताया कि कैश बना हुआ है, हम कैपिटल बना करके दिखाते हैं आपको डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ लिखते हैं कैपिटल अकाउंट, विदाउट कैपिटल व्यापार नहीं हो सकता, इसलिए आप देख पा रहे होंगे अंडर ग्रुप में पहले से ही कैपिटल सेलेक्टेड है। कोई ज़रूरी नहीं है सेलेक्ट है तो हम कैपिटल ही बनाएंगे, बट हम, हमारे पास कैश बना हुआ है डियर स्टूडेंट्स तो हम कैपिटल ही पहले बना ले रहे हैं। एलियास को भी हम ब्लैंक कर दे रहे हैं। अंडर में जैसे हम आएंगे देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप्स ओपन होकर के आ गया, ये 28 ग्रुप्स हैं, कुछ दिख रहे हैं कुछ हिडन में हैं, तो हमें जिसकी ज़रूरत है वो हम देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ कैपिटल लिखा था तो कैपिटल पे सेलेक्ट होकर के आ गया है। ऐसा नहीं है कि जो सेलेक्ट होकर के आएगा वही हमें लेना है डियर स्टूडेंट्स, तो हम अपने आवश्यकता अनुसार जो मेरा ग्रुप होगा, जैसा नेचर होगा लेज़र का खाते का, उसी हिसाब से उस अंडर ग्रुप में हम उसको प्रविष्ट करते हैं। तो पूंजी पूंजी खाते में ही जाता है, तो इसे यहाँ से हम कैपिटल कर देते हैं स्टूडेंट्स। पूंजी का एड्रेस हम यहाँ नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर कोई पर्सनल अकाउंट होता, हालांकि कैपिटल में यहाँ आया क्योंकि कैपिटल को भी पर्सनल अकाउंट मानते हैं, तो लेकिन पूंजी का कोई एड्रेस नहीं होता, कंपनी का एड्रेस होता है, इसलिए हम यहाँ कैपिटल का कोई भी मेलिंग डिटेल नहीं डालते हैं डियर स्टूडेंट। चूँकि हम यहाँ कैपिटल अगर हम क्रेडिट कर रहे हैं तो हम नॉमिनल रूल के हिसाब से करते हैं, अगर हम कॉमर्स देखें तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से, चूँकि हम अगर कंपनी ओनर समझ करके कैपिटल को उसके साथ बिहेवियर कर रहे हैं तो हम यहाँ उसका एड्रेस डाल सकते हैं, अन्यथा हम एड्रेस डालने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी हम यहाँ नहीं डाल रहे हैं। इस तरह से एंटर करते हुए आएंगे, जो ज़रूरी डिटेल्स है उसे आप यहाँ पर प्रविष्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, और फिर हम यहाँ से एंटर, अगर हमें यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस प्रविष्ट करना है, डालना है तो हम डालें, अन्यथा हम यहाँ से एंटर करके एक्सेप्ट कर लें। आप देख पा रहे हैं कि आपका टैली में एक लेज़र अपना बन गया। हम बैक करके डिस्प्ले कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप देख पाएंगे जहाँ भी आपको दो लेज़र दिख रहा था कैश प्रॉफिट एंड लॉस, वहाँ आपको आपके सामने तीन लेज़र प्रेजेंट हो गया है कैपिटल। इसी तरीके से हम मल्टीपल की विंडो पर भी जाते हैं, मल्टीपल में भी क्रिएट करेंगे तो सबसे फर्स्ट यहाँ ग्रुप का चुनाव करना होगा डियर स्टूडेंट्स। जैसे आपने ग्रुप में देखा था पहले हम ग्रुप सेलेक्ट कर लेते थे फिर हम उससे रिलेटेड सब ग्रुप बनाते थे, वैसे यहाँ हमें जिस ग्रुप के अंतर्गत लेज़र खाता बनाना है वो ग्रुप का हम चुनाव करते हैं। दूसरी एंट्री में आपने देखा था बिल्डिंग था मशीनरी था,
तो वो दोनों ही मेरे फिक्स एसेट्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, ग्रुप सेलेक्ट करके एक बार दिखा देते हैं। हम ऑल आइटम कर भी कर सकते हैं और हम कोई पर्टिकुलर ग्रुप भी सेलेक्ट करके लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम फिक्स्ड एसेट्स पे आपको करके दिखाते हैं। हम बिल्डिंग का बना लेते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डियर स्टूडेंट, बिल्डिंग को एंटर करके अब हमने ग्रुप सेलेक्ट कर रखा है पहले से, तो यहाँ अंडर में हमारा ग्रुप लिस्ट नहीं आएगा। यदि कोई ओपनिंग बैलेंस आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ डालेंगे, अन्यथा आप नीचे आ जाएंगे। हम यहाँ मशीनरी बना लेते हैं, मशीनरी अकाउंट एंटर करके आते हैं। ये भी फिक्स्ड एसेट्स, अगर हमारा खाता ये इतने ही हमारे फिक्स्ड एसेट्स में थे तो मैं यहाँ से, जबकि फर्नीचर भी मेरा फिक्स्ड एसेट्स होता है, लैंड्स ये भी मेरा फिक्स्ड एसेट्स में आता है। तो हम अगर हमारे जर्नल एंट्रीज में ऐसा कुछ है तो हम उसे यहाँ प्रविष्ट करते हैं, अन्यथा हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर मैं यहाँ से बैक चले जाएंगे तो ये बना हुआ लेजर सेव नहीं होगा। तो हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब आप चाहे सिंगल से जा करके डिस्प्ले करा लीजिए तो भी वो सारे लेजर्स आपको दिख जाएंगे, और अगर आप मल्टीपल से डिस्प्ले कराएंगे तो सबसे पहले आपको ग्रुप का चुनाव करना पड़ेगा। अगर पर्टिकुलर ग्रुप के हिसाब से आप देखना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर ग्रुप को सेलेक्ट करें, अन्यथा ऑल आइटम कर देंगे तो जितने भी आपके लेजर्स क्रिएट हैं सारे लेजर्स यहाँ दिख जाएंगे। जैसे बिल्डिंग है फिक्स्ड एसेट्स में, कैपिटल है करेंट कैपिटल में, कैश आपका कैश इन हैंड है, मशीनरी आपका फिक्स्ड एसेट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका प्राइमरी ग्रुप है। तो ये अंडर्स जो उसका अंडर हेड है उसके अंतर्गत ये आ गया डियर स्टूडेंट्स। आप ये मल्टीपल लेजर का स्क्रीन है, ग्रुप चुनाव करते हैं, इधर डेट वगैरह हम मेंटेन करते हैं, जिस वो डेट ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि जो आपका बुक बिगनिंग डेट होता है उसी दिन से यहाँ पर आपका डेट शो करने लगता है, वही डे शो करता है सॉरी। यहाँ सीरियल नंबर होता है जो ऑटोमेटिक आ जाता है, नेम ऑफ लेजर्स लेजर के नेम हो गए, अंडर उसका जो हेड है अंडर हेड है वो आ गया, अगर कोई ओपनिंग बैलेंस आप दे रखे हैं तो वो दिखाएगा। तो इस तरह से हम इसकी स्क्रीन को भी आप देखें। तो ये होता है आपका लेजर हम कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने सिंपल आज आपको विंडो लेजर विंडो बताया डियर स्टूडेंट्स। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक एक टॉपिक पर लेजर बनाकर दिखाएंगे, जैसे सेल्स परचेज का, एक्सपेंसेस के लेजर, ये सारे लेजर्स हम आपको बताएंगे जिससे आपको लेजर में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है आपको टैली विषय का कंप्लीट ज्ञान देना। तो आप एकदम मेरे साथ बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको सारी नॉलेज हो पाएगी डियर स्टूडेंट्स। तो आज के टॉपिक में बस हम इतना करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम लेजर्स बना करके दिखाएंगे, हम अल्टर करके दिखाएंगे, हम डिलीट करके दिखाएंगे। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें, जब आप लेजर आपका क्लियर होगा तब हम अगले टॉपिक पर जाएंगे, चूँकि हम स्टेप बाय स्टेप आपको नॉलेज दे रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स बस इतना, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड डे।